बाबू को ही दो। नहीं नहीं बेटा, दोनों ही मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं दोनों को ही आशीर्वाद दूंगी। भगवान करे आप जो चाहोगे वो आपको मिले। और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहना। हाँ? ये कैसे होगा? पर मैच में तो माँ, मुझे खेल की तैयारी करनी है, मुझे जाना हूँ। माँ मैं अभी आई। माँ को क्यों नहीं बताया कि मेरे खिलाफ मैच लड़ रहे हो? तूने भी तो नहीं बताया। क्योंकि मैं माँ को और परेशान नहीं देख सकती। मैं भी। अच्छा ठंकी, ये फैमिली मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैच जीतने के बाद माँ मेरे साथ रहेगी। माँ कहीं नहीं जाएगी। मैं यहाँ रहूं या कहीं और, माँ मेरे साथ ही रहेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ मेरी भी है वो। तूने चुन लिया अपनी माँ। जितना भी ताना मारना मार लो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सत्य का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे परिवार के दुश्मन बने हो, उनके लिए मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ूंगी और ये मैच जीतूंगी भी। आधी पौनी जनता तो टीम मुन्ना की तरफ से ही है। वैसे ग्राउंड में मैच रखेंगे तो इन्हीं की जनता आएगी ना। बड़े स्टेडियम में रखते तो टक्कर बराबर की होती। चिराग भैया, मैच कहाँ पे खेला जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम मैच जीते, क्योंकि हमारे लिए इसे जीतना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, आज का जो एक घमासान क्रिकेट मैच है, जिसे आप एक युद्ध के तौर पे भी देख सकते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। ये एक पहला ऐसा क्रिकेट मैच है जिसमें जीतने वाले को ना सिर्फ एक ट्रॉफी इनाम में मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ आज तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा इनाम भी मिलेगा, यानी कि मोदी हाउस। कीमत ना जाने कितने करोड़ों की है और जिस पर अब तक मोदी परिवार अपना हक जमाता आया है और उसी हक को छीनने आ रहे हैं मुन्ना और उसकी टीम। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर इस मैच को जीतकर कौन ले जाता है ये ट्रॉफी और साथ में मोदी हाउस। क्या कहना है आपका पटेल साहब? अरे आपकी बातें एकदम सही है, मैं भी ऐसा ऐतिहासिक मैच पहली बार देखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं माता जी का नाम लेकर। जय माता जी। हेड्स और टेल्स। आप बड़े हैं तो आप बताइए। छोटी मेरी बहन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तू बोल। हेड्स।
रहा है टीम मुन्ना की फेवर में। सब प्रैक्टिस सेशन में काफी थक गया है और अगर मुन्ना ने बैटिंग चुनी तो टीम को आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। हम बल्लेबाजी करेंगे। और मुन्ना और उसकी टीम ने बैटिंग चुनी है, तो आइए देखते हैं मुन्ना और उसकी टीम की इनिंग्स के साथ ये मैच अब शुरू होने जा रहा है। देखिए हम टॉस हार गए लेकिन मुझे सबको बताना है कि निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना। हाँ। काना जी पे भरोसा रखते हैं। मुझे तो लगता है मोदी हाउस में ऐसे ही दे देना चाहिए। हम बेइज्जत होके तो नहीं जाएंगे यहाँ से। आखिरी सांस तक हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, हमें खेलना है। चिराग तुझे याद है ना बचपन में कितना क्रिकेट खेलते थे, तब कुछ भी दांव पे नहीं लगा था, लेकिन इस बार हमारा घर लगा है। तो अगर घर बचाना है तो हमें कैसे भी करके जीतना होगा। जी जान से खेलेंगे, इतनी आसानी से हम लोग हार नहीं मान सकते। मीनल तुम ऐसा हारा हुआ चेहरा क्यों बना रही हो? पहले ही हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अब हम अपने पुरखों का घर किसी भी हाल में नहीं खो सकते, बराबर ने? अरे भाभी जी ये लोग चौल वाले हैं तो क्या हुआ, मैं भी गांव से हूँ, देखना कैसे पछाड़ देता हूँ इन सबको मैं। ये हुआ ना जज्बा, इसी जज्बे से हमें खेलना है, सामने वाली टीम को हराना है और उन्हें ये साबित करके दिखाना है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आए अगर परिवार साथ हो हम जीत से दूर नहीं है। मुन्ना की टीम से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं रज्जो और हितेन। सुन अच्छे से खेलना वरना ये इसी बैट से ना तेरी ऐसी हड्डियां तोड़ूंगी कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? उसका खर्चा कौन लेगा? चल मोदी टीम से पहली ओवर डालेंगे चिराग। और इसी के साथ मुन्ना की टीम ने अपना खाता खोला। अबे भाग ना। नहीं 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 वापिस 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 रुक। तू ना भाग ले। हाथ में बोले उधर देना था यार। पकड़ो आशी ने कैच छोड़ा और बॉल गई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। क्या कर रही हो? सिंपल था। वापिस अब ना भागियो तू, अगर नहीं भागा ना तो देख लेना। रज्जो ने जड़ दिया एक और चौका और टीम मोदी के लिए परेशानियां बढ़ती हुई। टीम मुन्ना की शानदार शुरुआत 3 ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान के। गोपिका सक्षम। जी माजी आप ठीक है? गोपिका मुझे सक्षम मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा भाग पाऊंगी और मैं बॉल छोड़ रही हूँ, कहीं हम हार ना जाए, क्या करें? फिकर मत करिए वहाँ पे ना विकेट कीपर बनेंगे, ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा उसे। मनसुख भाई तुम इधर आओ। मैं जाऊँ? ओके अच्छा। अरे 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 दिख 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 विकेट के पीछे कौन आ गया? अब तो बॉल को कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं 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 अभी वो चटनी के डब्बे भागना, भागता क्यों नहीं है?
आउट करा देगा तेरी माँ को ही तो। अबे किसकी साइड से खेल रहे तू? कहीं तेरे मन में गोपिका के लिए प्यार तो नहीं उभर रहा? अरे भाभी रिस्की रन था, सक्षम रन आउट कर देता तू। जहां एक तरफ हितेन संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रज्जो लगातार मार रही है चौके और छक्के। मेरे को तो लगता है कि मेरे को अब मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरी माई संभाल लेगी इनको। शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम मोदी पर दबाव बढ़ता हुआ। अरे क्या मारेंगे? मुन्ना की टीम कर रही है चौकों और छक्कों की बारिश। ये तो बिल्कुल एक तरफा मैच होता दिख रहा है और टीम मोदी का हौसला टूटता दिख रहा है। पटेल साहब अभी तक मुन्ना और उसकी टीम का पलड़ा काफी भारी लग रहा है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब देखना यह है कि गोपिका की टीम किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी बनाती है। और इसी के साथ हम लेंगे 10 मिनट का एक ड्रिंक्स ब्रेक। क्या हो गया? माता ही आ गया इसके अंदर तो। माँ जी देखिए, किसी भी वक्त पे हमें निराश नहीं होना है, जोश रखना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे आके बात करिए। अभी जिस तरह से ये खेल रहे हैं ना, 20 ओवर आते आते ना इनके स्कोर 300 हो जाएंगे, फिर हमारा जीतने का कोई चांस नहीं होगा। चांस है, हमें इनके दिमाग के साथ खेलना। बिल्कुल सही कह रहे हो सक्षम जी, यही करना होगा हमें। आप सबने हितेन भैया को देखा खेलते हुए, बहुत आराम आराम से खेल रहे थे, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे थे वो। मेरा मेरे को पता है मुन्ना, पर तूने इस हितेन को समझा ले, अगर ये ऐसे खेलेगा ना तो बस फिर तो जीत गए हम। अरे अब हितेन तो है ना बचपन से ही ऐसा ही है, ढीला ढाला। अब पर रज्जो तू क्या खेली है, बस बस ऐसे ही चौके छक्के मारते रहे, हम जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ रज्जो कितना अग्रेसिव खेल रही है, वो देखा ना हमने, बिना सोचे समझे बैट घुमा रही है, रन के लिए दौड़ रही है। बिल्कुल, गुस्से में जब इंसान होता है तो हमेशा गलत ही करता है, इस बात को ध्यान रखना होगा हमें। तू ना ऐसी तैसी मत करवा देना, अगर तूने कुछ किया ना तो फिर देख लेना, इसी मैदान में ना तेरी खाद बना के बो दूंगी। उसका खर्चा कौन देगा? अरे रजो छोड़ ना, तू बस गेम में ध्यान दे और जाके मार बढ़िया से। जा मेरी शेरनी बजा दे। हाँ माँ, छक्के पे छक्के मारना। और इतने आराम से अच्छा से खेलियो। जा 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 जा, चलो 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 चलो। गोपिका गोपिका शाबाश, गोपिका गोपिका, बस अब तो आउट कर देना रज्जो को। अच्छा हाँ देखते हैं। और हाँ तू अपने भाई कोई दुश्मन मानने वाली बहन, तुझे तो मैं ऐसा धोऊंगी ना कि तू मेरे नाम से भी रोएगी। अगर मेरे इस बॉल पे तूने छक्का मारा ना, मैं खुद हार मान जाऊंगी। ये तो देखते कि कौन हार मानता। तू बॉल मार फिर दे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोपिका ये लोग सब मिलकर रज्जो को जबरदस्ती गुस्सा दिला रहे हैं यार, गलती से कहीं ये रज्जो आउट नहीं हो जाए। और ये गोपिका की पहली गेंद, रज्जो ने की मिस। और ये आउट, टीम मोदी को मिली पहली सफलता। गोपिका गोपिका
टीम मोदी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। बोला था आराम से खेल, लाभ बताता हूं इनको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, मैच अभी बाकी है ओके। अभी भैया आने वाले बैटिंग करने के लिए, भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फोकस हमें इस पे रखना है कि उनके सामने जो खेल रहा है हमें उसे आउट करना है। गोपिका तुम ये कहना चाहती हो कि दूसरी एंड साइड से उनको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, इसका मतलब हमारा अगला शिकार खेल है। जितना बोले ना उतना ही करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जा। कमल मुन्ना, कमल मुन्ना, कम ऑन। चिरंकी ये अगर हम ऐसे ही खेल रहे होते ना तेरे भी मैं 10 बार आउट हो जाता, लेकिन आज तुझे बताना जरूरी है कि तू गलत लोगों की तरफ से खेल रही है। गोपिका हम तैयार है। मुन्ना ने अपनी पहली गेंद पर मारा शानदार छक्का। अरे वाह मुन्ना! मुन्ना जीतना तो हमें ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। करिए तो पता है रजू कैसे आउट हुई थी? फ्रस्ट्रेटेड हो गई। हमें वही करना, वही तुम गलती कर रही हो। फोकस फोकस। आशीन देखो, गोपिका को स्नान समझाते हुए आशी और चिराग को देखना दिलचस्प होगा क्या है उनकी रणनीति। हितेन भाई सोच लो, मोदी हाउस से हमें बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ आएंगे? तुम्हारे पास ही आएंगे रहने हितेन भाई, और तुम्हें तो पता है मेरे खर्चे, मेकअप, हेयर, पार्लर, 50-60-70 कितने खर्चे हैं मेरे। और मैं अकेले थोड़ी आऊंगी, मुझे अपने पति को तो लेकर आना पड़ेगा ना हितेन भाई। हाँ ना, मैं तो भी आएगा साथ में, तो 1-2-3 लाख के खर्चे तो हर महीने की हितेन भाई। सोच लो क्या करना है, जीतना है या हारना है। हितेन तो इधर ध्यान दे, छोड़ उनको। बोला था ना ध्यान दे। अच्छा खेला इतन, अच्छा खेला, रज्जू की तरह गुस्से में आउट नहीं हो गया, अच्छा खेला इतन। वाह भाभी क्या बॉल डाली आपने। लेकिन आपको कैसे पता कि आशी कैच छोड़ेगी? अरे आशी ने कैच छोड़ा तो क्या हुआ, तुमने तो पकड़ लिया कैच। और वैसे भी एक बात तो सच है कि आशी की बातों से ही तो हितेन आउट हो गया, तो बस इसी तरह से हमें दिमाग से खेलना है। हाँ अंडरस्टूड छे चब्बास। दो शानदार विकेट लेने के बाद मुन्ना की टीम का स्कोर हुआ है 10 ओवर में 75 रन। मुन्ना की टीम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है और गोपिका की टीम बहुत अच्छा कमबैक करती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।